ये तो हमारे घर की ड्रामा क्वीन है। इसे तो मुझे लग रहा था मेरा बर्थडे है, आज ही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है फ्राइडे और अभी हुए हैं 2 बजे हैं, आफ्टरनून के 2:10 और मैंने अभी अभी शॉवर लिया है, जस्ट अभी लिपस्टिक लगाई है और आज मैंने पहनी है ये काजल मिडी। तो खाना बन गया है, आज मैंने बनाए हैं पुलाव और आलू फ्राई। खाने तो नहीं है मुझे, ये बोल रहे थे अभी का फोन आया, बोले खाना क्या बनाया, मैंने बोला आलू और पुलाव, फिर से आलू, मैंने बोला आज का दिन बनाने दो, क्या क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है। रोज रात में मूंग बनाए थे, मूंग और रोटी, थक के आई थी शॉपिंग करके, तो मूंग रोटी बनाए थे, मूंग मैंने ज़्यादा बना दिए सुबह के लिए। रोज़ रोज़ पोहा बना रही हूँ, मैगी बना रही हूँ, तो मूंग के साथ रोटी बनाई सुबह में, नमक और मिर्ची डाल के, तो रोटी गर्मा गर्म खाई, वो भी अच्छा लगा। फिर अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या खा रहे, सुबह में भी मूंग रोटी खाया है, तो अभी मैंने आलू और पुलाव ही बनाया है, यानी कि भुगा राइस जैसे सिंधी में बोलते हैं हम, भुगा चावड़ा, वो बनाए हैं। और हबी का भी फ़ोन आया था जैसे, तो मैंने बोला आ जाओ आप, खाना तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में, मैं थोड़ा शावर ले लूँ, 10-15 मिनट रख के आप आ जाओ, शावर ले लूँ और रेडी हो जाऊँ, कि तो मैं शावर बाद में ही लेती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे गर्मी होती है बहुत, मेरे से बैठा नहीं जाता इवनिंग तक, तो पहले खाना बन जाए फिर बाद में शावर ले लो, बस खा के पी के सो जाओ। तो अभी आलू फ्राई हो गए हैं, पुलाव तो बन गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया, आलू फटाफट से मैं निकाल दूँ, तो आलू फ्राई हो गए हैं। मैं ना जब तक नहाने चली गई, खाना गैस पे रख के काजल को बोला राइस वगैरह तू देखना, आलू देखना, तो काजल ने देखा था, मैंने बोला अभी रुक मैं थोड़े क्रिस्पी हो तो फिर मैं निकाल देती हूँ आलू। और राइस भी बन चुके हैं, पुलाव भी रेडी है, आलू भी रेडी है, बस अभी आए, उनका वेट कर रही हूँ, आ जाए तो फिर खाना खा ले, उसके बाद टेबले लेके सो जाऊंगी। और आज तो मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि मेरी 5 इंजेक्शन भी कंप्लीट हो गई, तो आज थोड़ा सुबह में ऐसा लग रहा है इम्प्रूवमेंट है, आज कुछ भी इतना नहीं प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही ऐसा एक बार ही हुआ है, इतना नहीं, तो आज ठीक लग रहा है मुझे। तो इन्होंने बोला नहीं हो सकता है भाई, 5 इंजेक्शन कंप्लीट हुई हो, हेमोग्लोबिन की कमी ज़्यादा हो गई थी, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज के बाद तो इंजेक्शन का भी टेंशन गया, भगवान करके दोबारा इंजेक्शन मुझे ना लगानी पड़े, बहुत परेशान हो गई, इंजेक्शन का ये होता है टेबलेट ले लो फिर भी ठीक, लगा दूँ खाना, ये भी आ गए हैं, फैन चालू करो बैठो, तो अभी लगा लेती हूँ खाना फटाफट से। चाय पी के मैं ऐसे ही बैठी हूँ, काजल तो सोई थी, काजल को नहीं उठाया, फिर मैं बैठी थी, काजल उठे तो उसके बाद काजल को भी चाय दूँ तो इनको फ़ोन करूँ, बट ये खुद ही इन्होंने इनका फ़ोन आ गया, मैं आ रहा हूँ तो आ गए हैं। फिर अभी खाया है नाश्ता, खजूर खजूर खाया है आज, खजूर और केक लेके आए मेरे लिए, तो ये खा के मैंने अब चाय पे आई हूँ बनाने के लिए दोनों की। काजल तो बोल रही है मैं नहीं पीऊँगी, हम दोनों ही पी ले रहे, और लिपस्टिक मेरा उतर गया है नींद में सो के, खाके पी के ये लिपस्टिक मेरी उतर ही जाती है। तो आंटी भी अभी काम करके गए, जस्ट अभी
तो नाश्ता इनको बोल रही थी घर में बनाऊं, इन्होंने बोला नहीं लेके आता हूँ, मुझे देर हो जाएगी, जल्दी से खा के मैं निकलूंगा, इतनी भूख नहीं है। मैंने बोला ठीक है लेके आओ। अभी गए नाश्ता वगैरह खा के, और आज तो मेरा टाइम ही ऐसा गया है जैसे नींद भी इतना जल्दी की, मैं सवेरे सोई हूँ बट 5:30 उठ के जो काजल के लिए मैंने वेट किया, काजल लेट सोई, एडिटिंग कर रही थी लेट सोई, तो वेट कर रही थी काजल का नींद हो जाए बाद में उठाती हूँ, तो उस वजह से लेट हो गई, इसको बाद में उठाया। फिर आंटी भी आज लेट आ गए, दिवाली का टाइम है तो बोल रहे, वो भी साफ सफाई चालू है घर की, तो मैंने भी आंटी को बोला थोड़ा बहुत वो तो मुझे भी आप करके देना, तो अभी बोल रहे देखे टाइम मिलता है कि नहीं, मैं भी तो ज़्यादा नहीं करा पाऊंगी, तो बोल रही थी आंटी को थोड़ा बहुत ही किचन वगैरह ही करके देना अगर आपसे हुआ तो, वरना नहीं तो छोड़ दूंगी, दिवाली के बाद आपको टाइम मिला करके देना या कोई मिला तो करा लेंगे, फिलहाल तो अभी ये भी दोनों भी नहीं मान रहे हैं, हबी भी और काजल भी, सफाई करके नहीं करानी है दिवाली के टाइम पे, इस टाइम पे क्योंकि तो पहले से ही हेल्थ का इशू बहुत हो गया था, आज तो फिर भी ठीक लग रहा है, तो आज इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे, जैसे अभी टाइम लगेगा 1 month मुझे चाहिए बिल्कुल पहले जैसे कवर होने में, तो आज से तो मेरी जो पहली वाली टेबलेट है वो भी शुरू हो जाएगी, वो भी ले लूँगी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फिर आंटी को भी बोला मैंने, देखो होगा तो करके देना नहीं तो नहीं, उठ के पहले बेडशीट वगैरह डस्टिंग कर लेती हूँ और थोड़ा घर अरेंज कर देती हूँ, आज तो कुछ भी नहीं किया है तो अभी दिया भी लगाना है, बेडशीट भी अरेंज करनी है, तो बेडशीट तो मुझे उतार के ही अरेंज करनी पड़ेगी, फिट करनी पड़ेगी, क्यों तो पूरी की पूरी निकल आई है आज, वैसे दिन में 2-3 बार मैं ध्यान देती हूँ ना उसको, साइड से फिट करती रहती हूँ, आज मैंने इतना नहीं ध्यान दिया है तो आज पूरी की पूरी निकल आई है, फिर वापस से अभी मैं वो फिट करूँगी, उसके बाद पूजा वगैरह करूँ और कुछ अटेंसेस लगा लूँ, बहुत परे अटेंसेस ज़्यादा निकले हैं आज। इवनिंग के 7:30 लगभग हो चुके हैं, 7:45 में 5 मिनट पड़े हैं और पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया झाड़ू लगा के, खाली बेडरूम का नहीं लगा के आई, वहां पे कोई बैठता ही नहीं है तो वहां पे कचरा होता ही नहीं है इतना, ये पैसेज किचन हॉल और गैलरी तो टोटली सबका झाड़ू लगा लिया मैंने, वहां पे भी लगा के आई, मंदिर है वहां पे दिया जलता है तो वहां से भी झाड़ू लगा के आई हूँ मैं, तो अभी पाव रखने को मन भी कर रहा है फ्लोर पे, पूरा का पूरा क्लीन कर दिया मैंने, इतना कचरा लग रहा था बहुत, एक तो बेडशीट पे भी इतना कचरा, ये भी पूरी उतार के वापस से बिछा दी और नीचे भी झाड़ू, क्योंकि तो सुबह में जल्दी काम हो रहा है ना
तो इसकी वजह से इवनिंग में ना घर थोड़ा ऐसा हो रहा है, अब इतना दिन मैं ठीक नहीं थी तो ध्यान नहीं दे पा रही थी घर पे, जैसा अभी हो वैसे चल रही थी मैं। तो अभी फिर मैं आज देख रही थी, मैं बोली मट्टी बहुत है, और अभी बारिश भी बंद है तो मट्टी बहुत आ रही है, अभी हवा भी इतनी नहीं है, हवा आ रही है लेकिन उतनी ठंडी नहीं है, गर्म हवा है, मीन्स गर्मी हो रही है मुझे बहुत। नाइट सूट पहन के बैठी हूँ तो भी मेरी हालत खराब हो रही है, खाली बेडशीट की और झाड़ू लगाया उसमें इतनी मैं गर्मी में परेशान हो गई हूँ, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना मुझे ना, थोड़ा भी पैर में ना कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, ऐसे बेडशीट थोड़ी यहाँ वहाँ से निकले ना फिट नहीं हो वो भी पसंद नहीं आता है, घर में पाँव में कचरा थोड़ा भी लगे ना वो भी पसंद नहीं आता है मुझे, नहीं पाँव जिधर रखे घर में तो पैर जैसे रख रहे हम तो सफा फ्लोर हो, एकदम साफ फ्लोर, सफा में सिंधी में बोलते सफा, एकदम साफ फ्लोर हो पाँव रखे तो चले, तो वैसे मट्टी मट्टी पैर में अच्छी नहीं लगती है, तो जितना हो सके ना कभी कभी ऐसा लगता है कचरा है तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। आज मुझे लग रहा है मेरा पूरा दिन काम में ही गया, मैं आज फ्री ही नहीं हो पा रही हूँ, क्या पता आज कैसा दिन गया है, काम ज्यादा हो गया है घर का, कभी कभी ऐसा दिन जाता है, काम कम ही नहीं होता है घर का, अभी अटेंसेस भी ज्यादा है तो कभी कभी ऐसा दिन जाता है हमारा, क्या कर सकते हैं। और हाँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कल मैं बाजार गई थी अपने बर्थडे के लिए ड्रेस लेके आई थी, तो इतना मस्त लग रहा है मुझे, मैंने जैसे आपको रात में बाय की तो मैंने बोला अभी मैं इसके बाद ट्राई करूंगी, और लो ट्राई की मैंने, इतनी मस्त लग रही थी मैं, इतनी मस्त लग रही थी, तो इतना इनको भी पसंद आया, काजल तो इतनी पागल हो गई, बिल्कुल भी पागल, इतना चिढ़ गई काजल, इतना उसने हंसाया है रात में, लो मैंने ड्रेस जैसे पहनी काजल बोली मम्मी ये मेरे को दे, मम्मी ये मेरे को दे, तू नहीं पहन, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, जैसे बच्चे नहीं करते नीचे सो के, अल्लाह मैं इधर खड़ी रहूं पैसेज में जाऊं रूम में जाऊं, ये लड़की कहीं मुझे शोर ही नहीं रही है, ये मुझे चाहिए, अल्लाह इतना मस्त है, अल्लाह इतना मस्त है, मम्मी मैं पहनूंगी आप मत पहनो, ये पहन के क्या करोगे काजल ये मम्मी ये क्लोथ हमारे पहनने के लिए, ये ड्रेस हमारे पहनने के लिए, नहीं पहनो ये, आप और कोई ड्रेस पहन लेना, सूट पहन लेना, मैंने ये पहनना है, इतना चिराया इतना उसने किया, कहीं लड़की छोड़ नहीं रही है। फिर वहां पे जाके मैं देख रही हूँ आईने में जाके, मैं मिरर में देखू मैं कैसी लग रही हूँ, ये लड़की जाने ही नहीं दे रही है वहां तक, मिरर तक वहां पे गई हूँ, मिरर में देख रही हूँ खुद को, ऐसे तैयार हो गई खुद को ऐसे देख रही हूँ, मुझे चाहिए मुझे चाहिए ऐसे करके उसने इतना परेशान किया, वह छोटे बच्चे नहीं करते, उसने मुझे इतना परेशान किया कल, मुझे खुद को बराबर से देखने ही नहीं दिया, मैं कैसी लग रही हूँ मिरर में, जैसे गई हूँ मैं, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही है इसको देख के, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही, मैं खुद को क्या देखूं, इनको भी बहुत पसंद आई, ये भी बोल रहे बहुत चेंज लग रही है, बहुत बिल्कुल भी चेंज लग रही है, बहुत मस्त लग रही है, तो ये ऐसे मम्मी मैं पहनूंगी मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अभी तो उसने पापा को बोला ऐसा वाला सेम मुझे भी लाके दो, इसको भी ये ड्रेस सेम चाहिए, तो ये पहनेगी थोड़ा चेंज करके, इतना इतना उस लड़की ने किया है कल ड्रामा बहुत, ये तो हमारे घर की ड्रामा क्वीन है, इसको नाम दो मैं ड्रामा क्वीन है, मैं खुद को समझती हूँ ड्रामा क्वीन हूँ, बट ये और निकली है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो इसने बहुत कल हंसाया है मुझे, बहुत हंसा हंसा के, और इतना उसने ये किया कि ऐसा मस्ती कर रही, थक कर रात को चुपचाप सो गई है एक साइड, थक कर सो गई है लड़की ऐसा चुपचाप, इतनी हंसी मजाक उसने इतने दिनों में नहीं किया होगा, कभी मैंने नहीं देखा है इसको, फर्स्ट टाइम मैंने इसे देखा है, तो अभी इसको भी लेके देंगे। समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या बना है, काजल को बोला सोयाबीन ही बना दे रही हूँ, क्यों तो आफ्टरनून में भी आलू खाए थे फ्राई मैंने, इवनिंग में तो केक खाया, इसकी वजह से कुछ एसिडिटी ना हो, पहले ये भी काजल बोली थी मम्मी हल्का कुछ बनाओ, एसिडिटी अभी उतर गई है तो जैसे दोबारा ना हो, अभी तो फायदा है,
तो मैंने फिर सोयाबीन ही बनाई। मैंने बोला काजल को सोयाबीन खा रहा है, हल्का है भैया और फटाफट भी बनेगी, रोटी बना देती हूँ फटाफट से साथ में, फिर बिग बॉस बैठ के देखेंगे। और आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। सुबह में ही इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे दशहरे के। हाँ ये एक मीम आता है दशहरे की, सब ऐसी बधाइयां दे रहे हैं दशहरे की। हम सिंधी में दशहरा बोलते हैं, तो दशहरे की ऐसी बधाइयां आ रही है जैसे रावण को मैंने ही मारा है। ये मीम आता है, मैंने भी शेयर किया था FB पे, तो वो कल मेरे पास आया था, वो तो मैं हंस रही थी, वो मैंने भी शेयर किया था। तो मेमोरीज आती है ना, शेयर करते हैं। तो सुबह में आज मेरे साथ ऐसा हुआ, इतने दशहरे के मैसेजेस आए थे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अरे जैसे रावण को मैंने मारा था, मुझे इतने दशहरे के मैसेजेस आए थे। और आज मामा का भी बर्थडे था, मेरे जो थाना वाले मामा है, थाना में रहते हैं मुंबई में, तो उनको भी सुबह सुबह में आज मैंने विश किया। तो वैसे तो मैं लेट उठती हूँ 12 बजे, तो आज सुबह में 10:30 बजे मामा को फोन कर दिया मैंने। तो उनको ऐसा लगा था सुबह में, मैंने बोला मामा सुबह सुबह मैं फोन कर रही हूँ, तो बोल रहे थे हम बर्थडे तो सुबह में ही विश करते हैं ना। मैंने बोला हाँ, मैं उनको भी लग रहा था, मामा को भी, ये तो लेट उठती है बहुत। वैसे तो 12-12 बजे उठती थी, 11, 11:30, 12, तो मामा को कब जाके विश करती थी, कभी शाम को, कभी कभी, कौन से भी टाइम पे। आज 10:30 बजे मैंने फोन कर दिया विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे मामा, सब जगह पोस्ट किया इंस्टा पे, FB पे, हैप्पी हैप्पी। मुझे लग रहा था मेरा बर्थडे आज ही है, मामा का सेलिब्रेट मैं कर रही थी आज बहुत अच्छे से। तो ये मेरा किचन क्लीन हो गया, सब्जी मेरी रेडी है, आटा भी मैंने गूंद लिया है, अटेंसिल्स भी लग गए, और टाइम भी दिखा देती हूँ आपको। दस में 5 मिनट ही पड़े हैं, तो अभी भी आ चुके हैं, और 10 भी नहीं बजे है, मेरा घर पूरा चकाचक हो गया है, झाड़ू लगाया है, कितना काम आज मैंने किया है। पूरा किचन क्लीन, बस अभी आ गए हैं, मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ। तो ये फ्रेश हो जाए, हाथ मुंह धो लेवे, नाइट सूट पहन लें, तो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ गर्मा गर्म। कि तो काम तो मेरा पूरा हो गया है आज, पहले बोल ही नहीं पा रही थी, ये कुकर तो बोलने ही नहीं, प्रेशर कुकर तो मेरा बोलने ही नहीं दे रहा था आज। तो ये हो गई मेरी सोयाबीन रेडी। तो वैसे मेरी बहन को मेरे हाथ की सोयाबीन बहुत पसंद आती है, सोयाबीन हो और पालक हो तो मेरे हाथ की पसंद आती है, और आलू मेथी काजल को बहुत पसंद आती है, मेरे हाथ की कॉलीफ्लावर हो, गोभी और आलू मेथी, ये दिल से खाती है काजल टूक। बट अभी अफसोस, मैं ये कोई भी चीज़ नहीं खा पा रही हूँ, किसमें आलू पड़ रहा है, आज ही कैसे मैंने फ्राई खाए हैं, ये दोनों खाने ही नहीं दे रहे थे, किसमें आलू पड़ रहा है, किसमें चने की दाल पड़ रही है, किसमें लहसुन पड़ रहा है। आलू मेथी खाने को इतना मन है, बट उसमें ना लहसुन पड़ती है बहुत, तो मसाले ज़्यादा पड़ते हैं उसमें, स्पाइसेस पड़ते हैं, जैसे कसूरी मेथी हुआ, किचन किंग हुआ, तो वो ज़्यादा पड़ता है उसमें, तभी टेस्ट आती है। तो अभी तो ये कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, सब ऐसे बनाना पड़ा है, जो बिल्कुल भी हल्का हो खाने में, सोच समझ के बहुत खाना पड़ रहा है। और अभी तक बिग बॉस पूरा नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, खाना खा के जैसे बैठे हैं बिग बॉस ही देख रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी, काजल ने वो बोला मुझे भी चाहिए जो कल मैं ड्रेस लेके आई हूँ, तो अभी लेके आए हैं आज।
काजल के लिए ड्रेस, तो अभी काजल भी ट्राई करके देखी, फाइनली काजल ने भी सेम ले ली ड्रेस। क्या बोल रही थी, ये आप पहन के क्या करेंगे, ये पहन के क्या करोगे, ये मैं मेरे पहनने के लिए है। तो काजल ने भी लिया है, अभी काजल ने ट्राई नहीं किया है। और ये सेम जो मैंने लिया है तो ड्रेस लिया है, एक्चुअली में काजल जब भी छोटी थी, बहुत छोटी थी, 6 to 7 years की होगी काजल तभी, 6 to 7 years ऐसे कुछ थी। तो ये जो सेम मैंने लिया है ड्रेस, ऐसी ही मिलती जुलती ऐसे ही ड्रेस थी, लगभग ऐसी ही थी ना, लगभग ऐसी ही थी, खाली कलर चेंज था। तब ऐसी ड्रेस के लिए काजल ने जिद की थी बहुत। एक्चुअली में मैं गई थी काजल को कुछ ड्रेस लेके दिया था, काजल तब छोटी थी, इतना जिद किया काजल ने, वो ड्रेस देखी तो मैं नहीं लेके दे रही थी। वो टाइम पे उसका कलर भी ऐसे टमाटो कलर था, रेड भी पर एग्जैक्ट रेड भी नहीं था, टमाटो कलर था, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था कलर भी एक्चुअली। तो इसने जो जिद की घर आके, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लास्ट में हबी और मेरे हबी की बड़ी भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ, वो साथ में दोनों गए। मैं तो थक गई थी, इन दोनों को बोल रही थी, वो भी साथ में चले थे, मैं तो बोल रही हूँ मैं नहीं चल पाऊंगी, अभी थक गई मैं चल के, अभी ये जिद कर रही है उसको अभी चाहिए। 10 बजे शॉप बंद होते हैं मार्केट के, 10 के 5 मिनट पहले ये दोनों जल्दी जल्दी गए हैं और काजल को वो ड्रेस फाइनली ला के दी। तब जाके ये चुप हुई थी। वैसी ही सेम ड्रेस अभी मैं कल लेके आई हूँ तो वो काजल को मेमोरी याद रह गई, बोल रही थी मम्मी ये याद है, अभी तक मुझे याद है मैं इस ड्रेस पे कितना रोई थी, तब भी चिर गई थी। तो फाइनली उसने भी ले ली, तो अभी दोनों न्यू न्यू पहनेंगे बर्थडे पे मेरे। इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को हिट भी कर दो, जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगी बगैर पूछे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा टिक करके। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।